अब हमारा जैसे कि इंट्रोडक्शन वगैरह हमने देख लिया, ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू विद द आरबीसी। देखो आरबीसी के बारे में आपको क्या क्या पता है। अब ये तो आपको पता है कि जो आरबीसी हमारा होता है इसमें हीमोग्लोबिन जो होता है ये इसके पास एक प्रोटीनेशियस कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है, पिगमेंट प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन का। और अगर एक नॉर्मल इंडिविजुअल में देखें तो उसमें 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है पर 100 ml ऑफ द ब्लड, ठीक है। तो 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है पर 100 ml ऑफ द ब्लड। उसके अलावा आपको क्या पता है कि क्या नेचर होता है इनका, एल्केलाइन नेचर के होते हैं। उसके अलावा आपको पता है कि इनकी शेप कौन सी होती है, बायकनकेव होती है। बायकनकेव में भी अगर आप देखो तो कुछ ऐसी शेप देखने को मिलती है, ठीक है। ये जो आपका डायमीटर है ये 2 माइक्रोमीटर तक होता है और ये जो आपका डायमीटर है ये 1 माइक्रोमीटर तक होता है, ठीक है। उसके बाद और क्या आपको पता है आरबीसीज के बारे में। देखो नेक्स्ट चीज आती है कि जो आरबीसीज होते हैं ना इनमें कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, इनमें कोई माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता। अब माइटोकॉन्ड्रिया तो हम बोलते हैं कि हर एक सेल का क्या होता है, एनर्जी हाउस होता है, लेकिन अगर आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो एनर्जी कहाँ से लेगा। तो इसका जो मेन सोर्स होता है एनर्जी का दैट इज ग्लाइकोलाइसिस, कि ग्लाइकोलाइसिस के पाथवे से, एचएमपी के पाथवे से ये अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स पूरी करता है। मतलब जब ये बना तब तो सारे ऑर्गेनेल्स थे, जैसे जैसे इसकी एक्टिवेशन होती है ये अपनी फॉर्म में आता है, इसके जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सारे इरोड होने, खत्म होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो उसी जो स्टार्टिंग वाला मटेरियल है उसी को रखते हुए सारी जिंदगी अपनी सर्वाइव करता है। अब उसके बाद अगर मैं आरबीसी का लाइफ स्पैन देखूं तो इसका लाइफ स्पैन होता है 120 डेज। उसके बाद इसको खत्म करने के लिए कौन आते हैं, मैक्रोफेजेस। अब मैक्रोफेजेस आरबीसी को किस प्रोसेस के थ्रू खत्म करते हैं, आपको पता होगा प्रोसेस का नाम, दैट इज फैगोसाइटोसिस। किसी चीज को खा जाना, जब कोई सेल किसी चीज को खा जाता है दैट इज अ प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। अब मैक्रोफेज आया आरबीसी को खाने के लिए, लेकिन हमारी बॉडी इतनी ज्यादा एफिशिएंट है, इतनी अच्छी है कि किसी चीज को वेस्ट नहीं होने देती, वैसे ही ये आरबीसीज को भी वेस्ट नहीं होने देती। जब वो आरबीसी टूटेगा, जब उसकी डेथ होगी, मैक्रोफेज उसको तोड़ेगा, तो जितने भी आरबीसीज के कंपोनेंट होंगे ना, हर एक कंपोनेंट अपना अपना काम करेगा। मतलब जब वो कोई चीज टूटी, आपने क्या किया, आपने एक टॉय लिया, ठीक है, जिसमें बहुत सारे क्या थे, ब्लॉक्स थे। टॉय काम कर रहा है, उसके बाद आपका टॉय टूट गया, ठीक है। हर एक टॉय के आपको पीसेस मिले, आपने क्या किया, उन पीसेस को बड़े बड़े ब्लॉक्स में मिट्टी डाली और आपने प्लांट का उगा लिया उसमें, ठीक है। तो आपने क्या किया, रिसाइकल किया, उसी चीज को क्या किया, यूज किया, थ्रो अवे नहीं किया। वैसे ही आरबीसी के केस में होता है कि 120 डेज के बाद, देखो आरबीसी किसके से बना है, आयरन। जब भी आरबीसी की फॉर्मेशन होती है, देखो एक तो आपको आयरन चाहिए होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, उसके अलावा विटामिन सी चाहिए होता है, उसके अलावा विटामिन B12 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो चाहिए ही चाहिए होता है। और अगर विटामिन B12 की बॉडी में डेफिशिएंसी हो गई तो आरबीसी की फॉर्मेशन क्या हो जाती है, हिंडर हो जाती है। और इसकी वजह से दो तरह के डिजीजेस देखने को मिलती है, एक होगी आपकी पेरिनीशियस एनीमिया और एक आप बोल सकते हो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ये दोनों ही डिजीजेस कब होती है, जब विटामिन B12 में की जो हमारी यूज है वो हमें प्रॉपरली नहीं मिल पाता, ठीक है। ये जो मैं नॉर्मल पॉइंट्स बोल रही हूँ ना, ये डिजीज हो रही है, ये विटामिन B12 चाहिए है, ये आयरन चाहिए है, ये सारे पॉइंट्स नीट में आए हुए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस में आए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए अब जैसे कि मैंने क्या बताया, लेट मी क्लियर ऑल अदर मेस ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा समझ आ सके। देखो जब मेरा पर्पस होता है बोर्ड पे थोड़ा सा पहले लिखने का ताकि आपका टाइम वेस्ट कम हो, और मैं ये ज़रूर रिकमेंड करूँगी जब भी आप वीडियो देखो ज़रूर साइड बाय साइड नोट्स बनाओ। नोट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोट्स बनाओगे एक बार तब खुद को भी याद आता है, खुद को भी आप एक बार ना दो बार याद करते हो, एक बार देख के, सुन के और तीसरी बार लिख के, तो एफिशिएंसी और इंक्रीज हो जाती है।
ये साइंटिफिक रीजन है आपका नोट्स बनाने का, ठीक है? तो नोट्स इज मस्ट, ओके। तो अब मैंने आपको क्या बोला, कहाँ थे हम, डिजीजेस पे थे, पेरिनेशियस एनीमिया बोल दिया, ओके। अब उसके बाद हमें पता है कि जैसे हर एक चीज का अंत होता है, वैसे आरबीसी की शेल्फ लाइफ मैंने कितनी बताई, 120 डेज। उसके बाद आरबीसी की डेथ होती है स्प्लीन में। अब हमारी बॉडी तो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, वो तो किसी चीज़ को वेस्ट नहीं होने देती, तो वैसे ही आरबीसी का एक एक कॉन्स्टिट्यूएंट को हम क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, दोबारा से यूज़ करेंगे, उसका कोई भी कंपोनेंट हम वेस्ट होने नहीं देंगे। तो देखो आरबीसी किस चीज़ से बना था, आरबीसी में वन ऑफ द पिगमेंट क्या थी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आगे दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स, दो तरह के प्रोटीन से बना होता है, एक हीम पार्ट होता है और ये इसका ग्लोबिन पार्ट होता है, ठीक है? उसके अलावा हमारे पास आयरन होता है। अब जो आयरन है बॉडी इसको स्टोर करेगी, कल को जब आयरन की रिक्वायरमेंट होगी तो उस टाइम पे ये आयरन को यूज कर सकेगी, ठीक है? फर्स्ट चीज है आपका हीम, दूसरा है आपका ग्लोबिन। जो ग्लोबिन है वो आगे टूट जाएगा अमाइनो एसिड्स में, वो अमाइनो एसिड्स भी बॉडी यूज कर लेगी। अब अमाइनो एसिड्स क्या चीज है, देखो जैसे कि जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या बोल दोगे, सैकेराइड्स, शुगर्स होगी आपकी, ठीक है? वैसे ही अगर आप आपके घर की बात करें तो आपके घर का जो बेसिक कंपोनेंट है, जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, वो क्या है, ब्रिक है, जिससे सारा घर बना है। वैसे ही जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, जो आपका मतलब ग्लोबिन है, वो क्या है, एक प्रोटीन है। और प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं, प्रोटीन किस चीज़ों से बनते हैं, अमाइनो एसिड से बनते हैं। तो टूट के वही अमाइनो एसिड्स बॉडी में और किसी काम के लिए लग जाएंगे। फिर है हमारा हीम। अब इसका जो प्रोसेस है वो हमें देखना है, क्या होता है, हीम जाता है लीवर में, ठीक है? तो सबसे पहले इसकी होती है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होके ये पिगमेंट बनाता है बिल्वर्डिन, बिल्वर्डिन की फिर होती है रिडक्शन, रिडक्शन के बाद बनता है बिलरुबिन। ये जो बिलरुबिन होता है ना, ये इनसॉल्युबल होता है, और सॉल्युबल होने के लिए ये लीवर में जाके जो बाइल है उसके साथ मिक्स होता है, ताकि ये सॉल्युबलाइज हो सके। फिर बाइल कहाँ पे जाता है, इंटेस्टाइन में। अब इंटेस्टाइन में इसके पास कुछ और पिगमेंट्स हैं, ये जो पिगमेंट्स हैं बाइल के, ये फीसिस की करेक्टरिस्टिक्स, फीसिस के कलर, यूरिन का कलर, यूरिन की करेक्टरिस्टिक्स बताने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि अगर आप देखो, ये देखो, ये है हमारा यूरोबिलिनोजन का पिगमेंट, यूरिनोबिलिनोजन का पिगमेंट आगे दो और पिगमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट करता है, यूरोक्रोम एंड यूरिनोट। ये दोनों इम्पॉर्टेंट है यूरिन के कलर के लिए। वैसे ही जो स्टीरकोबिलिनोजन है, ये इम्पॉर्टेंट है कलर ऑफ द फीसिस के लिए, ठीक है? तो ये करेक्टरिस्टिक्स होगी कि कैसे कैसे रिसाइकलिंग होती है, कैसे कैसे उसका जो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट है वो आगे जाके यूज किया जाता है, ठीक है? तो ये चीज हो गई, ओके। तो नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं हमारा अगला पार्ट, दैट इज डब्ल्यूबीसीज के बारे में। देखो जब हमने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट्स किए थे, कॉन्स्टिट्यूएंट्स में हमने क्या किया था, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, फॉर्म्ड एलिमेंट में हमने क्या देखा, आरबीसीज के बारे में देखा, ठीक है? और हमने प्लेटलेट्स के बारे में हम आगे देखेंगे। दूसरा पार्ट हमने क्या किया था कि इसमें WBCs भी होते हैं, तो वही WBCs हमने देखने हैं कि क्या क्या हमारा कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। देखो तो थोड़ा सा मैं डिटेल में लिख देती हूँ यहाँ पे। जो आपके WBCs हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स, इनको हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है? और इसकी दो कैटेगरीज होती हैं, एक होते हैं ग्रेन्यूलोसाइट्स और एक होते हैं आपके ए ग्रेन्यूलोसाइट्स, ए ग्रेन्यूलोसाइट्स, ठीक है? जो आपके ग्रेन्यूलोसाइट्स है इसमें आपके पास आते हैं न्यूट्रोफिल्स, और जो न्यूट्रोफिल्स है ना उसका अमाउंट सबसे ज्यादा होता है, दैट इज 60-65%। फिर सेकंड पे आते हैं बेसोफिल्स, ठीक है? बेसोफिल्स का होता है 0.5-1%। और थर्ड नंबर पे आपके आते हैं इओसिनोफिल्स, ठीक है? और इओसिनोफिल्स का कितना होता है, 2-3%। वैसे ही एग्रिनोलोसाइट्स, जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है? तो इसके अंदर भी हमारे पास दो चीजें आती हैं, एक आपके आते हैं मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स
और एक आपके पास आते हैं मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस, ठीक है। अब इन सभी का मैं रोल बता देती हूँ। देखो इनके नाम किस चीज से बने हैं, इनके नाम न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल, ये पड़े हैं ऑन द बेसिस कि किस डाई को स्टेन करते हैं। जैसे कि जो आपके न्यूट्रोफिल्स हैं वो न्यूट्रल है, वो एसिडिक को भी नहीं स्टेन करते, बेसिक को भी नहीं स्टेन करते हैं। जो आपके इओसिनोफिल ये एसिडिक डाई को स्टेन करते हैं, जो बेसोफिल्स हैं ये बेसिक डाई को क्या करते हैं, स्टेन करते हैं। इनकी जब अपीयरेंस देखोगे तो थोड़े से ग्रैनुलेटेड फॉर्म में ये आपको नजर आएंगी, ठीक है। अब न्यूट्रोफिल्स का मैं सबसे पहले रोल बता देती हूँ। अगर किसी की बॉडी में इन्फेक्शन है, जब आप TLC करवाने जाते हो, रिपोर्ट्स करवाने जाते हो, सबसे पहले WBCs का नंबर देखा जाता है। अगर न्यूट्रोफिल्स का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, दैट इंडिकेट्स इन्फेक्शन। अगर न्यूट्रोफिल्स का अमाउंट नॉर्मल है, ठीक है, मतलब वहाँ पे इन्फेक्शन नहीं है, तो न्यूट्रोफिल से हमें पता लग सकता है कि बॉडी में इन्फेक्शन है या बॉडी में इन्फेक्शन नहीं है, ठीक है। अब